नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह हम आपके सम्मुख पंचांग, आज के पंचांग, इतिहास और आज की ऐसी सकारात्मक सुर्खियों को प्रस्तुत करते हैं जिनसे आपके दिन सकारात्मक बने। तो इसी कड़ी में आज के पंचांग के बारे में आपको बताएं कि हिंदी पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2078 है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, दिन रविवार है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को जब राक्षस लेकर भागने लगे तब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु ने उस अमृत कलश की राक्षसों से रक्षा की थी। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज मई महीने की 23 तारीख है। और आज के इतिहास में आज के दिन तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ था और उसके 8 साल बाद दलाई लामा भारत आए। तब से वो भारत के धर्मशाला हिमाचल से तिब्बत की सरकार चला रहे हैं, या कहें कि तिब्बत की सरकार हिमाचल से ही चल रही है और तिब्बत के लोग आज के दिन को काला दिन मानते हैं, वहीं चीनी लोग इसे शांति के प्रयासों वाला दिन बताते हैं। और इसी दिन तिब्बत ने चाइना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया और कहा जाता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध की एक सबसे बड़ी वजह दलाई लामा का भारत आ रहा था। और आज अन्नाराम सुदामा की जन्मतिथि है। अन्नाराम सुदामा राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका साहित्य अन्नाराम सुदामा समग्र के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित किया गया था और अकादमियों और संस्थाओं की ओर से इन्हें कई पुरस्कार मिले। इनकी सबसे प्रमुख रचना मेरो रूख, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बेतुरी सुंदरम्मा मूर्ति की आज पुण्यतिथि है। 3 दशकों से तेलुगु सिनेमा के गीतों को अपनी कलम से नई आभा देने वाले श्री बेतुरी को मथुरु देवे भव फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1995 में जावा प्रोग्रामिंग भाषा का पहला संस्करण आज ही के दिन जारी किया गया था। जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था और बीते 25 सालों में ये तकनीक अब इतनी विकसित हो गई है कि आज के आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। और रुख करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश के लाखों अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कोरोना महामारी के समय में यूपी सरकार ने सभी अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। राज्य सरकार ने स्कूल फीस को लेकर एक अहम फैसला लिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल्स पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्यों न हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के सभी स्कूल्स को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और साथ ही दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना के तहत कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को के भरण पोषण के लिए हर 3 महीने 3,000 रुपये राशि देने वाली है। इसके अलावा बच्चों को सरकारी आवासीय स्कूलों में फ्री शिक्षा और राशन की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों की आयु 25 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण और शिक्षा तथा रोजगार के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। साथ ही घर बैठे ऑफिस का काम कर रहे लाखों लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। टेलीकॉम रेगुलेटर जो है ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ग्राहकों को सीधे सब्सिडी देने के मॉडल पर विचार कर रहा है। ट्राई के अनुसार ग्राहकों को 200 रुपये प्रति महीना सब्सिडी दी जानी चाहिए।
अगली खबर हमारे हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के हित में एक और लाभकारी फैसला लिया है, जिसमें मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि उन किसानों को दी जाएगी जो किसान धान की फसल के समय अपने खेतों को खाली रखेंगे। मुख्यमंत्री ने पानी बचाने के प्रयास के तहत इस स्कीम को खेती खाली फिर भी खुशहाली के नारे के तहत जारी किया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष से धान न लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये देने का निर्णय लिया हुआ है, और इस तरह अब हरियाणा में बासमती धान बेल्ट एरिया में खाली खेत का भी किसानों को पैसा मिलेगा। और अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं और अपने पैसों पर अधिक रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम का प्रबंधन करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या PFRDA ने प्रस्ताव किया है कि NPS में योगदान करने वाले सभी लोगों को 5 लाख तक की रकम निकालकर अपनी मर्जी से उपयोग करने या निवेश करने की सुविधा दी जानी चाहिए, जो कि एक सकारात्मक खबर है। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे ऐसी ही सकारात्मक खबरों के साथ, ताकि आपका दिन और जीवन में सकारात्मकता आए। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।